हमारे को आशीर्वाद देना होता तो अरुण जेटली जी कहते चलो आप रुक जाओ देश, मतलब आप सेटलमेंट करो, आप सेटलमेंट करो तरीका भी जी ऐसा है। हमारे देश में कोई भी बाहर जाता है तो अपने संरक्षक के पांव छूके जाता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद। मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। तो विजय माल्या जी ने अपने संरक्षक के पांव छुए, बड़े बड़े बक्से लेके जब वो रवाना हुए हवाई जहाज तुम्हें शर्म है कुछ 35 करोड़ और मेहुल चौकसी का भी कल भांडाफोड़ हुआ कि पीएमओ को उसके पूरे फ्रॉड का हमारे मेहुल भाई को भगा दिया, नीरव छोटे मोदी को भगा दिया, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ललित मोदी के भाग भगवाने में किस का इन्वॉल्वमेंट है? राजस्थान के मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, उनका इन्वॉल्वमेंट है। अब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी का इन्वॉल्वमेंट है। अब आज ये विजय माल्या बोल रहा है कि मैं आराम से बैठ के उनका आशीर्वाद लेके आ गया, कोर्ट में बयान दे रहा है। ये राजद्रोही है, ये सरकार जाने के बाद विरोध जो भी करेगा राष्ट्र का विरोधी है ये लोग, इनको जेल जाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए बात हो रही है राष्ट्र की, चलेगा हिंदू मुस्लिम पे, अरे कौन हिंदू को भगाना चाहता है? मैं बोलता हिंदू यही रहेगा, ये पात्रा क्या बोलेंगे, ये तो फर्जी हिंदू है, हिंदू का मतलब नहीं पता है, हम हिंदू है, हम बता रहे हैं कि हिंदू यहां रहेगा। ये जबरदस्ती पॉइंट लेने जा रहे हैं, ये मैं से पूछना चाहता हूं, किसान हिंदू नहीं है क्या? किसान हिंदू नहीं है? बेरोजगार हिंदू नहीं है जिसको आप पकौड़ा बिछाना चाहते हो? क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो महिला हिंदू नहीं है जिससे कहते हो कि आप गैस निकालो, कहां से आप निकालो, नाले से गैस निकालो? क्या वो महिला हिंदू नहीं है? हिंदू नहीं है जिनका बलात्कार हो रहा है? मुजफ्फरपुर में जिनके साथ बलात्कार हुआ बच्चों के साथ, पात्रा घर में घुस गए थे, आपका पेट खराब हो गया था, डिबेट में नहीं आए थे, शर्म नहीं आती है? जब देवर यहां बच्चों के साथ अत्याचार हुआ आप घर में बैठ गए थे, आपका मोबाइल मिलाते रह गए मीडिया के लोग, आप मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठ गए। आपके विधायक ने किया तब आपकी आवाज नहीं निकली? क्या वो हिंदू नहीं थी? हिंदू के नाम पर देखिए, अरुण जेटली जी ने कहा वो संसद के सदस्य थे और संसद के सदस्य होने के नाते जो प्रिविलेज होता है, वेस्ट मिनिस्टर कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं आप, ये बोलना चाहते हो? एक कोर्ट में आदमी बोल रहा है कि मैं मिल के आया हूं, कोर्ट में आदमी झूठ बोल रहा है, उन्होंने अपना दस्तावेज दिया और अब यहां पे आप अंदर का झूठ बोल रहा है? बड़े बड़े बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे हिंदुओं को उठा ले, इस मसले पर एक बात तो जरूर है, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ सब ये साफ कर दिया आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रद्रोह, आप राष्ट्रवादी हैं, विपक्ष राष्ट्र विरोधी है, ये मुद्दा बनने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए संदीप जी, चुनाव में सभी प्रकार के विषय उठेंगे, अध्यक्ष जी के पूरे भाषण को सुनेंगे तो उन्होंने उज्ज्वला के विषय में भी बताया, उजाला के विषय में भी बताया, कितने शौचालय बनाए हैं उसके विषय में भी बताया, कैसे ज्यादा सड़कें बनी है उसके विषय में भी बताया, कैसे 18,000 गांव तक बिजली पहुंचाई गई है उसके विषय में भी बताया। और फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तू जा रे। और यह भी बताया कि हाँ जो लोग राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं उनके खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता है। उन्होंने नक्सली अर्थात जो अर्बन नक्सल्स की बात होती है उनके विषय में भी बातचीत की। और एक बड़ा षड्यंत्र याद करिए, दिल्ली चुनाव से पहले किस प्रकार चर्चों के ऊपर अटैक के विषय को उठाया गया था, नौटंकी कहीं का जी का बड़ा स्पष्ट कहना था। ऐसे बहुत सारे षड्यंत्र जो है ये अपोजिशन पार्टी के लोग करेंगे, मगर हमें अडिग रहना है, हमें किसी भी कीमत पर इन षड्यंत्रों में फंसना नहीं है। मोटी बात ये, आप देशप्रेमी है, विपक्ष देशद्रोही है, देश विरोधी है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, ये मुद्दा है ना? देखिए हाँ अर्बन नक्सली, मैंने तो विपक्ष अध्यक्ष जी ने भी विपक्ष नहीं कहा, अध्यक्ष जी ने कहा है अर्बन नक्सली देशद्रोही है, मैं तो मानता हूँ नक्सली देशद्रोही है। ये विपक्ष जो है ये नक्सलियों का समर्थन क्यों कर रही है? इनको भी बोलना चाहिए कि नक्सली देशद्रोही है। कोई बात नहीं, इसमें कोई अवार्ड वापसी गैंग कहां चली गई? अवार्ड वापसी गैंग, इनका मुंह पूरा बंद हो गया था, इनको बोलने का अधिकार नहीं था, इनके प्राण पखेरु फड़फड़ उड़ रहे थे, अब तो सब बढ़िया हो गया, अब तो लड़ाई खा रहे हैं। आएगा पात्रा जी, आएगा अभी आपकी बारी नहीं आई, सब आएंगे। रिस्पॉन्स साढ़े चार वर्ष पूर्व शुरुआत हुई थी कि विदेशों से 80 लाख करोड़ का काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए जमा कराएंगे। हुआ क्या कि आज पता चल रहा है कि एक भगोड़ा विजय माल्या भागने से पहले वित्त मंत्री का आशीर्वाद ले रहा है। नहीं नहीं अभी और सुनिए, वित्त मंत्री से पूरी सहानुभूति से पूरा अपना एड्रेस लिखा के जा रहा है। कहां गया आपका करप्शन फ्री गवर्नेंस का मॉडल? क्यों एंटीगुआ में बैठा हुआ व्यक्ति बोल रहा है कि मैं तो बड़े आराम से बैठा हूं? कहां गया छोटा मोदी जो देश विदेश में अय्याशी कर रहा है? कहां गया आपका गंगा की सफाई? कहां गया स्मार्ट सिटी? बस हवा निकल गई। कहां गया 2 करोड़ रोजगार? कहां गया महिलाओं की सुरक्षा? कहां गया किसानों को एमएसपी देने का वादा? आज फिर वापिस आप जुमलेबाजी पे आ गए। देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव जाने से पूर्व अपना घोषणा पत्र होता है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए संविधान होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
आज उस घोषणा पत्र को तो इन्होंने आग लगा दी। आज क्या हो रहा है, बातें करेंगे आप चुनाव से पहले कब्रिस्तान की, शमशान की। अरे भैया बहुत हो गया, बहुत धोखा दे दिया आपने देश की जनता को। एक बार उनसे जो भूल हो गई उनको इतना कष्ट मत दो, रुपये को आपने गिरा दिया। शर्म आया है, पेट्रोल डीजल को 100 के पास पहुंचा दिया, गैस को पहुंचा दिया आपने 800 के पास, गृहिणी का बजट बिगाड़ दिया, और अब बातें बोल रहे हो राष्ट्रवाद और नक्सलवाद की। अरे किसने कहा नक्सलवाद के विरोधी नहीं है? मैं बोलता हूं कि हम हर उस व्यक्ति के विरोधी हैं जो देश में वायलेंस फैलाता है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। क्यों आप चीजों को घुमाते हो? क्यों नहीं कहते कि आप गवर्नेंस में अटर फेलियर साबित हुए हो और आपको राज करने का कोई अधिकार नहीं है? क्यों नहीं आप इस्तीफा देके और बोलते हो कि हमने जो वादा किया था उसमें से एक भी पूरा नहीं किया? कहां गई वो बुलेट ट्रेन? कहां गया वो गंगा की सफाई? लोग आपने क्या दिया? तेरा क्या हिसाब है? कुछ नहीं, मैं तो बस मजे लेने आया था। पकोड़ों का रोजगार, पान का रोजगार, लोगों की संवेदनाओं के साथ खेलने का काम किया। कोई व्यक्ति रोजगार मांगता है तो कहते हो पकोड़े की दुकान खोलो। ये युवाओं के साथ आपने शोषण किया, युवा आपसे रिफिल मांग रहा था, आपने रफेल का भ्रष्टाचार कर दिया। गजब बेइज्जती है, रिफिल तो दी नहीं उनके हाथ में, रफेल का भ्रष्टाचार अपने दोस्त अंबानी को दे दिया। ये आपके अध्यक्ष कह रहे हैं एक एक बांग्लादेशी को वापस भेजा जाएगा, लेकिन सिर्फ मुसलमान बांग्लादेशी को। जो हिंदू आए हैं, जो सिख आए हैं, जो जैन आए हैं, वो दरअसल शरणार्थी हैं। लेकिन तो इसमें हाहाकार मचने वाली बात क्या है? यशस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मुझे तो लगता है तमाम लोगों को सपोर्ट में खड़े हो जाना चाहिए कि बिल्कुल सारे बांग्लादेशी जाएंगे, सिर्फ मुस्लिम बांग्लादेशी जाएंगे। सर मैंने आपके प्रश्न को पूरी तरह से मैं समझा सर, थोड़ी बहुत हिंदी मैं भी समझ लेता हूँ। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा सुना गौरव जी का, मैं आपको उत्तर दूंगा सर, मैं भागूंगा नहीं, पूरे शो में हूँ, उत्तर देके जाऊँ। मैं यहाँ ऐलान करता हूँ हिंदू नहीं जाएगा, कर लीजिए। ये कांग्रेस वाले क्या करना है हिंदू, हम हिंदू रोजगार हम रक्षक की सुरक्षा की बात, किसानों के हिंदू नहीं जाएगा, ये हमारे सरकार का निर्णय है सिटीजनशिप एक्ट में। क्या करना है कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं के खिलाफ करके दिखा दे। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मैं यहाँ बिल्कुल नहीं जाएगा, इनका मॉडल नहीं जाएगा। आप खोलो, आप बताइए कि हिंदू मुस्लिम हिंदुओं के खिलाफ मांग रहे, हिंदू जाएगा नहीं, क्या हिंदू नहीं जाएगा? आप अभी भी हिंदू करो, भाई को भाई से लड़वा नहीं जाएगा, हिंदू जाएगा। पिछले छह महीने में हमारे हिंदू नहीं जाएगा, हिंदू करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी वाह, मुस्लिम आप सबको बर्बाद किया बोल रहे हो ना कि हिंदुओं को जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ हिंदू नहीं जा रहे गए, आप कर लो क्या करना है, सब बातों की घोषणा क्या करते हैं? हिंदू ने हिंदू करो, मेरा मतलब करो, चाहिए वो हिंदू नहीं जाएगा, बस क्या करना है? अगर वो भारतीय है तो हिंदू नहीं जाएगा। नेता का सलूकान खोल का सुन लिया भाई, अभी बदद है। अभी देखिए बिल्कुल सही बोला इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि राष्ट्र विरोधी जेल जाएंगे, बिल्कुल सही जेल जाएंगे। वो राष्ट्र विरोधी कौन होता है? जो देश के अंदर नफरत फैलाती हो, जो पार्टी जो देश के अंदर जाति धर्म की बात करती हो देश के अंदर में, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहा हो, जिसकी वजह से बेरोजगार बेरोजगारी से जूझ रहा हो युवक यहाँ का। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? और जाके नदियों में कूद जा रहा हो, अपनी जान दे दे रहा हो, अपने हाथ की नसें काट ले रहा हो। महंगाई तेल और डीजल की महंगाई की मार से घर घर के बजट बिगड़ जाए और हर जगह पूरे शहरों में गांव में अशांति फैल जाए, और ये वो लोग हैं जो देश का सम्मान गिराते हैं। जब देश का रुपया गिरता है तो देश का सम्मान गिरता है, तो समझ रहे हो, समझ रहे हो, तो जो लोग देश का सम्मान गिरा रहे हैं उनको तो जेल जाना ही पड़ेगा। राष्ट्रद्रोही है ये, सरकार जाने के बाद विरोध जो भी करेगा राष्ट्र का विरोधी है ये लोग, इनको जेल जाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए बात हो रही है राष्ट्र की, चलेगा हिंदू मुस्लिम पे, अरे कौन हिंदू को भगाना चाहता है? मैं बोलता हूं हिंदू यही रहेगा। ये पात्रा क्या बोलेगी, ये तो फर्जी हिंदू है, इनमें हिंदू का मतलब नहीं पता है। हम हिंदू है, हम बता रहे हैं कि हिंदू यहां रहेगा। ये जबरदस्ती पॉइंट लेना चाह रहे हैं, मैं इसे पूछना चाहता हूं, किसान हिंदू नहीं है क्या? किसान हिंदू नहीं है? बेरोजगार हिंदू नहीं है जिसको आप पकोड़ा बिछाना चाहते हो? क्या वो हिंदू नहीं है? क्या महिला हिंदू नहीं है जिसे कहते हो कि आप गैस निकालो कहां से, आप निकालो नाले से गैस निकालो? क्या वो महिला हिंदू नहीं है? क्या वो महिला हिंदू नहीं है जिनका बलात्कार हो रहा है? मुजफ्फरपुर में जिनके साथ बलात्कार हुआ, बच्चों के साथ, पात्रा घर में घुस गए थे, आपका पेट खराब हो गया था, डिबेट में नहीं आए थे, शर्म नहीं आती है? जब देवरिया बच्चों के साथ अत्याचार हुआ आप घर में बैठ गए थे, आपका मोबाइल मिलाते रह गए मीडिया के लोग, आप मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठ गए। पेट खराब नहीं थी वो बच्चे मुजफ्फरपुर, आपके विधायक ने किया तब आपकी आवाज नहीं निकली? क्या वो हिंदू नहीं थी? हिंदू के नाम पे गौरव जी ने ठीक कहा कि भाई घोषणा पत्र को, घोषणा पत्र जो होता है वो एक ढंग का आपका आपका एक ऐसा चीज है, आपका एक संविधान है जिसे आपको लागू करना चाहिए। यदि ये बात कांग्रेस पर लागू कर दिया जाता तो इस देश का स्वर्णिम युग 1960 में ही पहुंच गया होता।
हमदर्दी जता रहे। गरीबी रेखा का आकलन आप खुद ऐसे जानते हैं। देखिए सवाल यह है कि एनआरसी पर डिबेट क्यों नहीं होना चाहिए? साढ़े चार साल में 1822 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया, उन्होंने 82728 को भेजा है। आपको थोड़ी सी फ्रॉड किया है कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी का नाम उसमें जिक्र किया गया है, सरकार ने फ्रॉड किया है। और किसके लिए? तो वहां पर हिंदू प्रताड़ित होते हैं, बांग्लादेश में मुसलमान प्रताड़ित नहीं होते। एक बात बताइए, 1998 में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर बड़ा सवाल है दुबे, लेकिन रुपया गिर रहा है, तेल की कीमतों में आग लगी हुई है, बेरोजगारी का आलम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मेरे दर्शक जानते हैं, इन मुद्दों पर हम गला फाड़ किसी भी अंदाज में चर्चा नहीं हो रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मुद्दे क्यों आप डाइवर्ट कर देते हैं? मुझे तो डाइवर्ट नहीं हुए, मुझे लगता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी किया गया था तेल के दामों के ऊपर, वो खुद एक केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने किया था, और आज भी तेल के दामों के ऊपर धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आज भी पीयूष गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है एनपीए के विषय पर, और जहां तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, तेल के दाम कम हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं बता दीजिए आपस में, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस से कितने तेल के दाम कम हो गए, क्यों नहीं आप एक्साइज ड्यूटी घटा देते, बार बार चीजों को डाइवर्ट करो, लोगों को भ्रमित करो, ये नहीं चलेगा। आपका मॉडल देख लिया, किसानों को ऋण माफ कर रहे हैं, मैं आपको कर्नाटक और बनाकर क्या किया था, और बड़ा बात है, इन्होंने दिसंबर 2013 में दी थी, आपने कर्नाटक का आप मुझे बता दिया क्या, उन्हें आकर 2013 में बीच में ना बोल, अभी मान लिया को यूपीए का भी आशीर्वाद था और एनडीए का भी आशीर्वाद था, यूपीए ने भी आशीर्वाद दे रही थी। जी जी देखिए, अगर सुनिए ना अगर हमारे को आशीर्वाद देना होता तो अरुण जेटली जी कहते चलो आप रुक जाओ देश, मतलब आप सेटलमेंट करो, आप सेटलमेंट करो, तरीका है भीख मांगने का। जी ऐसा है, हमारे देश में कोई भी बाहर जाता है तो अपने संरक्षक के पांव छूके जाता है कि भाई मैं जा रहा हूँ मुझे आशीर्वाद, मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। तो विजय माल्या जी ने अपने संरक्षक के पांव छुए, बड़े बड़े बक्से लेके जब वो रवाना हुए हवाई जहाज, तुम्हें शर्म है कुछ? 35 करोड़ नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का भी कल भांडाफोड़ हुआ कि पीएमओ को उसके पूरे फ्रॉड का हमारे मेहुल भाई को भगा दिया, नीरव छोटे मोदी को भगा दिया, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ललित मोदी के भाग भगवाने में किस किसका इन्वॉल्वमेंट है? राजस्थान के मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, उनका इन्वॉल्वमेंट है, अब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी का इन्वॉल्वमेंट है, अब आज ये विजय माल्या बोल रहा है कि मैं आराम से बैठ के उनका आशीर्वाद लेके आ गया, वो कोर्ट में बयान दे रहा है। अरे भगाया किसने, क्यों भगाया, मैं आपसे पूछता हूँ, विजय माल्या जिस दिन भागा उस दिन की सारी कॉल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल जनता के सामने रखते हैं, ना केवल अरुण जेटली जी से, कम से कम 4 और कैबिनेट सीनियर मिनिस्टर से वो मिलके भागा, जनता के सामने रख दीजिए कि ये विजय माल्या का नंबर है, ये कॉल रिकॉर्ड है उस दिन की, कॉल असंभव, कॉल रिकॉर्ड, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्यों भागते फिरते हो, क्यों लोगों को भगाते हो? जो उड़ान बैंकिंग की जो सुविधा आपने चालू की उससे लोगों ने यहाँ ब्लैक मनी लाने का वादा किया था, लोगों की व्हाइट मनी लेके लोगों को भगवा दिया, ये आपका नैतिकता है, ये आपका गवर्नेंस है, और अब आप मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे, आप लोग सारे मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right.